मोहम्मद कासिम वार्ड नंबर 10 से सभासद। आप सभी देशवासी नगरवासियों व देशवासियों को ईद उल अजहा की तहदिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह रोड पर स्थित ईदगाह में नमाज अदा की गई। सुबह से ही बारिश होने के बावजूद भी लोगों ने ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी बारिश में ईदगाह पर मौजूद रहे और पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त रहे। इस ईद के पर्व पर इमाम जामा मस्जिद हापुड़ शहर ने सभी नगर वासियों व जनपद वासियों से अपील की, नमाज सड़क पर ना पढ़ें और जो जानवरों की कुर्बानी देनी है उनकी खुले में या सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी ना करें। सुनते हैं हापुड़ शहर के जामा मस्जिद इमाम को। मोहतरम हजरात, मैं इमाम जामा मस्जिद शहर हापुड़ आप सभी हजरात से अपील करता हूँ कि ईद उल अजहा के मौके पर ईद उल अजहा की नमाज अपनी अपनी मसाजिदों में ज़्यादा पढ़ें, ईदगाह में भी जाएं, अगर सड़कों पर नहीं पढ़ें, चौराहों पर नमाज अदा ना करें। जो ऐसा करेगा उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी। लिहाजा आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी मसाजिद में ईदगाह के अंदर ईद उल अजहा की नमाज अदा करें। दूसरी अपील यह है कि आप कुर्बानी करें तो कुर्बानी के जानवर को रास्तों में, सड़कों पर, चौराहों पर ज़िबा ना करें, बल्कि अपने मकानों में या जहां जगहें हैं, कुर्बानियां होती हैं, वहां कुर्बानी करें, क्योंकि ये भी कानून के ख़िलाफ़ है। तो आप सभी हजरात से हमारी अपील है, दरख्वास्त है पूरे ज़िले हापुड़ से कि इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, सड़कों पर कुर्बानी ना की जाए, और अगर कोई ऐसा करेगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। और दुआ भी करें अल्लाह ताला इस खुशी के मौके पर पूरे मुल्क के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अल्लाह अमन कायम रखे,